इधर एशिया कप 2023 का शेड्यूल हुआ जारी, तो भारत के हेड कोच का आया बड़ा बयान। एशिया कप में पाकिस्तान से हुए 3 मुकाबले, तो क्या करेगा हिंदुस्तान? पाकिस्तान से एशिया कप में 3 बार भिड़ने के सवाल पर देखिए क्या बोले कोच राहुल द्रविड़। एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिससे भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर से कैंडी में करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा। 10 सितंबर को कोलंबो में सुपर 4 से भारत का सामना फिर से पाकिस्तान अपने चिर प्रतिद्वंदी से होगा। ऐसा भी मौका बन सकता है कि 15 दिन के अंदर भारत और पाकिस्तान तीसरी बार एक दूसरे के आमने सामने हों, और ऐसा दोनों टीमों के 17 सितंबर को प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति में हो सकता है। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान से 3 बार भिड़ने के सवाल पर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, मुझे पता है कि हम एशिया कप 2023 में पहले 2 मैचों में पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, इसलिए हमें एक समय में एक कदम बढ़ाना होगा, इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें पाकिस्तान से 3 बार खेलने का मौका मिलता है तो ये शानदार होगा, हमें उन मैचों को जीतने की जरूरत है। ये एक शानदार प्रतियोगिता होगी और हम निश्चित रूप से फाइनल तक खेलना और जीतना चाहते हैं। एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से मुल्तान में होगी, जिसमें मेजबान पाकिस्तान का सामना नेपाल से होगा। ये टूर्नामेंट ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम होगा। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा है, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल सहित 9 अन्य मुकाबले श्रीलंका के कैंडी और कोलंबो में आयोजित होंगे। भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल ग्रुप ए में शामिल है, जबकि अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ग्रुप बी की टीमें हैं। ACC अध्यक्ष जय शाह ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि पहले दौर के बाद पाकिस्तान इसमें A1 और भारत A2 टीम बना रहेगा, भले ही उनके स्थान पर कोई भी रहे। अगर इन दोनों में से कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो नेपाल उनकी जगह लेगा। इसी तरह ग्रुप बी में श्रीलंका टीम B1 और बांग्लादेश B2 टीम होगी। अगर इनमें से कोई भी टीम सुपर 4 में नहीं पहुंचती है तो अफगानिस्तान उनकी जगह लेगी। पाकिस्तान के पूर्व कार्यक्रम के अनुसार इस साल एशिया कप की मेजबानी करनी थी, लेकिन BCCI के सीमा पार टीम भेजने इनकार के बाद उसे हाइब्रिड मॉडल के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच पाकिस्तान से भिड़ने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम एक दिन के ब्रेक के बाद 4 सितंबर को कैंडी में नेपाल के सामने होगी। 30 अगस्त को पाकिस्तान बनाम नेपाल का मुकाबला मुल्तान में होगा। 31 अगस्त बांग्लादेश बनाम श्रीलंका कैंडी। 2 सितंबर भारत बनाम पाकिस्तान कैंडी। 3 सितंबर बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान लाहौर। 4 सितंबर भारत बनाम नेपाल कैंडी। 5 सितंबर श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान लाहौर। इसके बाद 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक सुपर 4 के मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।